हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैना किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। यहाँ मैंने लिए गोभी, आलू और हरा मिर्च, तीनों को बारीक काट लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक गया। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने काट के सब्जी तैयार रखी थी, सारी को डाल देंगे। डाल के चलाते रहना है। सब्जी को हम चलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही चलाएंगे। अब हम इसको ढक के पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। बीच में आपको ढक्कन हटा के देख भी लेना है। अब ढक्कन हटा के हम सब्जी चेक करेंगे। देखो, हमारी सब्जी भुन रही है अच्छे से, लगभग पकने को है। अब यहीं पे मैं डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, सभी को अच्छे से मिला लेंगे। चार से पांच मिनट हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि हमने इसमें टमाटर यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी, सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। चार से पांच मिनट हो गए और हमारी सब्जी बन के तैयार है। देखिए कितने अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, अब थोड़ा सा मिला लेंगे। मैंने निकाला इसको एक प्लेट में। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी से बनकर तैयार है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।